जियो ने 15 अप्रैल तक बढ़ाई प्राइम मेंबरशिप स्कीम, रिचार्ज करने पर 3 महीने फ्री सर्विस। रिलायंस जियो ने प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने की आखिरी तारीख को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया। 31 मार्च की डेडलाइन से परेशान यूजर्स अब 15 अप्रैल तक जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चीफ मुकेश अंबानी ने बताया कि अब तक करीब 7.20 करोड़ कस्टमर्स ने जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया है। अंबानी ने नए समर सरप्राइज ऑफर का भी ऐलान किया। इसमें सभी जियो प्राइम यूजर्स जुलाई तक फ्री सर्विस का फायदा उठा सकेंगे। रिलायंस जियो के इस फैसले को ऐसे समझें, एक अब तक था जियो का ऐसा प्लान। मुकेश अंबानी ने 21 फरवरी को जियो के 10 करोड़ यूजर्स होने का ऐलान किया था। इसी के साथ जियो प्राइम मेंबरशिप प्लान पेश किया था। इसमें जियो के वेलकम ऑफर और न्यू ईयर ऑफर को एक साल यानी 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के लिए 99 रुपये में प्राइम मेंबरशिप ऑफर की गई थी। इसके लिए 31 मार्च 2017 की डेडलाइन थी और 1 अप्रैल से जियो की सर्विसेज पेड करने की बात कही गई थी। दो अब क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बयान जारी कर कहा कि जो कस्टमर्स 31 मार्च तक जियो प्राइम में एनरोल नहीं करा पाए थे, उनके पास 15 अप्रैल तक का मौका है। वे 99 रुपये में जियो की 303 प्लान वाली सिम खरीद सकते हैं। 15 अप्रैल तक एनरोल कराया तो क्या फ़ायदा मिलेगा? जियो समर सरप्राइज एक्सक्लूसिवली प्राइम कस्टमर्स के लिए है। ऐसे प्राइम कस्टमर्स जो 15 अप्रैल से पहले 303 रुपये या उससे ज़्यादा अमाउंट का फर्स्ट रिचार्ज करा लेंगे, उन्हें पहले 3 महीने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलेंगी। अंबानी ने कहा कि 15 अप्रैल तक एक टेंशन देने से फ्री से पेड सर्विस पर जाने वाले यूजर्स को परेशानी नहीं होगी। 4G LTE का नेटवर्क कितना मजबूत? अंबानी ने कहा कि जियो ने दुनिया का सबसे बड़ा 4G LTE वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना लिया है। इसके 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल टावर्स हैं। आने वाले महीनों में कंपनी 1 लाख टावर्स और जोड़ेगी। इसमें कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। यह दुनिया में किसी भी वायरलेस नेटवर्क में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़। प्लीज सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग।